बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, स्टैंजा नंबर 11. अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल लाइव्स ऑफ द फोर फादर्स ऑफ दिस विलेज. The poet is talking about the forefathers of the village who are now dead and who led a very simple and ordinary life. If one talks about their life and their achievement, high and mighty people will make fun of them. They will think that they have done nothing great in their life, so there is nothing significant about them. इस कविता में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो कवि हैं थॉमस ग्रे, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सिंपल फोर फादर्स ऑफ द विलेज, गांव के जो पूर्वज हैं जो इनकी मृत्यु हो चुकी है, एंड हु लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, जिन्होंने बहुत ही सिंपल जीवन व्यतीत किया, उनके बारे में उन्होंने बात की कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही मेहनत की अपने जीवन में और अपने परिवार को पाला, अपने गांव को संभाला और अपना दे फुलफिल्ड देयर ड्यूटीज़, जो भी उनकी ड्यूटीज़ थी उनका उन्होंने पूरी तरह से पालन किया. तो कवि ये कहता है अब कि ये जो हैं हाई एंड माइटी पीपल शुड नॉट मेक फन ऑफ देम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनको कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ खास नहीं किया. पिछले स्टैंजा में हमने आपको देखा, स्टैंजा नंबर 9 में, कि जो कवि ये कहते हैं कि वट एवर advantage one have, अब if even if one has very high position, one has a lot of power, one is very beautiful, one has immense wealth, one has glorious destiny, but these all things eventually ends in death. सारी चीज़ें जो हैं वो अंततः मृत्यु पर जाकर समाप्त होती हैं. इसलिए मृत्यु एक ऐसा लेवलर है, डेथ इज़ अ लेवलर. लेवलर यानी जो एक कर देता है सारे, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, तो डेथ जो है वो क्या है, एक लेवल में सबको ला देता है, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो अगली हो, चाहे वो ब्यूटिफुल हो, चाहे वो पावरफुल हो या पावरलेस, कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक जैसा कर देता है. तो मृत्यु डेथ है, इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश, ये कोई भेद नहीं करता, जैसा भी हो हर व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती है और देर इज़ नो एक्सेप्शन इन दैट. ऐसा नहीं है कि जो रिच हैं उनको उनकी मृत्यु नहीं आएगी, जो गरीब हैं उनको आएगी, क्योंकि गरीब के पास धन नहीं है और उसके पास धन है, जिसके पास मनी है वो उसके पास बहुत से बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो वो बच जाएगा और जो गरीब है वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता. तो यही आइडिया जो है, द पोइट इज़ कंटिन्यूइंग इन दिस स्टैंजा नंबर 11. कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ. कैन स्टोरीड अर्न, अर्न कहते हैं कलश को, अब कुछ कलश होता है, पहले ऐसे कलश अभी भी होते हैं जिन पर कुछ कुछ लिखा रहता है, स्टोरीड यानी वन सम स्टोरी इज इंस्क्राइब्ड ऑन दैट, कुछ उस पर उकेरा गया है, उस कलश पर कोई कहानी लिखी है, कोई बात लिखी है, कुछ उनके बारे में लिखा गया है, या किसी बड़े व्यक्ति के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है, जैसे बहुत से पहले किंग्स थे, एम्परर्स थे, उन्होंने अपने शिलालेख बनवाते थे, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया वो लिखवा कर जाते थे, सो दैट जनरेशन्स तक लोग उसको पढ़ें, और पढ़ते भी थे. और क्या करते थे या क्या होता था, एनिमेटेड बस्ट. अब बस्ट कहते हैं बेटा एक स्टैचू ऑफ, वी कैन से हाफ, जैसे किसी की कमर तक के हिस्से का मूर्ति, जिसमें नीचे पैर नहीं है पर उसके ऊपर का हिस्सा होता है, उतनी आधी मूर्ति, उसको बस्ट कहते हैं.
एनिमेटेड मीन्स लाइफ लाइक. तो एक ऐसी मूर्ति जो बिल्कुल विच इज़ वेरी लाइवली एंड लाइफ लाइक, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी अभी भी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, उनके बारे में लिखा जाता है. पर क्या ये सब कोई परिवर्तन ला सकता है एक बार मृत्यु हो जाने के बाद? कैन दीज पीपल बी कॉल्ड बैक टू लाइफ? बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ. मैंशन यानी पैलेस. क्या ये सारी चीज़ें वापस बुला सकती हैं? बैक टू इट्स मैंशन कॉल. कॉल माने बुलाना. कहाँ बुलाना? मैंशन. अब मैंशन का मतलब कौन सा महल है जिसमें बुला सकती हैं? महल यानी जो हमारी ये जो बॉडी है, ये जो पैलेस है जहाँ पे स्पिरिट सोल जो रहती है, इससे अगर एक बार जो है आत्मा सोल निकल जाती, द फ्लीटिंग ब्रेथ. ब्रेथ यानी हमारी जो सांस, एक बार जो सांस आखिरी निकल जाती है, व्हेन अ पर्सन लीव्स द बॉडी, व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी, इट डज़ नॉट कम बैक. वो वापस लौट कर उस शरीर में, वो जो मेंशन है उसमें वापस नहीं आती. उसके लिए चाहे वट एवर ग्लोरियस स्टोरीज़ आर रिटन अबाउट दैन, उनके बारे में जितनी कहानियाँ लिखी जाएँ, उनकी जितनी मूर्तियाँ लगाई जाएँ, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. उससे कोई परिवर्तन नहीं होता. और कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट? क्या आप किसी की मृत्यु होने के बाद पीपल रीड लॉन्ग स्पीचेज अबाउट देयर अचीवमेंट्स, अबाउट देयर गुडनेस? किसी की मृत्यु होने के बाद बहुत उसको सम्मान दिया जाता है, तो क्या प्रोवोक, क्या इससे वो उत्सुक हो जाएगा? द साइलेंट डस्ट. डस्ट तो कहते हैं मिट्टी को, और साइलेंट यानी शांत. लेकिन अब यहाँ साइलेंट डस्ट का मतलब है डेड बॉडी. क्या ये सारी चीज़ें, इवन इफ अ पर्सन इज ग्लोरीफाइड आफ्टर हिज डेथ, ही कैन नॉट बी रिवाइव्ड टू लाइफ? वो सब सुन के वो वापस जीवित नहीं हो जाएगा. और फ्लैटरी वू द डल कोल्ड ईयर टू डेथ? या किसी जो हाई एंड माइटी पीपल हैं, जो बहुत धनी हैं या पद पर हैं, राजा रानी जिनके पास बहुत पोजीशन है, किंग्स एंड एम्परर्स, उनकी फ्लैटरी की जाती है. फ्लैटरी यानी चापलूसी. तो क्या उनकी चापलूसी अगर की जाए, उनको खुश करने की, वो कहते हैं खुश करने की कोशिश करना, तो कैन द फ्लैटरी मेक द पीपल कम बैक टू लाइफ? द डल कोल्ड ईयर टू डेथ. फ्लैटरी चापलूसी, वो माने खुश करने की कोशिश करना. अगर चापलूसी से कोई खुश करने की कोशिश करे तो क्या ऐसा हो सकता है? द डल कोल्ड ईयर टू डेथ. डल कोल्ड ईयर यानी मृत्यु के बाद जो बॉडी है वो डल डल भी हो जाती है, उसका रंग भी बदल जाता है, और कोल्ड बहुत ठंडी हो जाती है. जब वो जब किसी की मृत्यु हो जाती है, व्हेन अ पर्सन डाइज हिज बॉडी बिकम्स डल एंड cold. So even if someone tries to flatter him in a very beautiful terms, he cannot be bring back to life. वो व्यक्ति दोबारा पुनर्जीवित नहीं हो सकता. तो मृत्यु जो है एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा, it is a truth which is a great leveler, and after dying nobody can be revived. उसके बाद कोई भी व्यक्ति पुनर्जीवित नहीं हो सकता, उसका कितना भी यशगान किया जाए. अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 12. इस स्टैंजा में द पोइट इज सेइंग कि अब वो उस चर्च यार्ड में जहाँ वो बैठा हुआ है इस गांव के बाहर, और सोच रहा है कि ये जो विलेजर्स हैं, वो आर नाउ लाइंग बरीड इन द ग्राउंड, दे वर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. जो जीवन में बहुत लोग पोजीशन प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, दे फील प्राउड ऑन देयर अचीवमेंट, बट द अदर साइड ऑफ द ट्रूथ इज ऑल्सो दिस कि ये जो विलेजर्स हैं, दे वर ऑल्सो इक्वली टैलेंटेड. ये लोग भी उतने ही टैलेंटेड थे, लेकिन ये अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए. दे कुड नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन देयर लाइफ बिकॉज दे डिड नॉट गेट दी अपॉर्चुनिटी. उनको मौके नहीं मिले. अब क्या हुआ उनके जीवन में? परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड. शायद, परहैप्स, शायद ये जो नेग्लेक्टेड स्पॉट है, कौन सा नेग्लेक्टेड स्पॉट? चर्च यार्ड. यहाँ पर कोई लेटा हुआ है. लेड यानी बरीड, उसको लेटा है मतलब दफन है. कौन दफन है? सम हार्ट वर्स वंस प्रेग्नेंट विथ सेलेस्टियस फायर.
कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय कैसा था, वंस प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मीन्स फुल ऑफ, कभी उसका जो हृदय था वो ऐसा था, इट वॉज फुल ऑफ सेलेस्टियल फायर. सेलेस्टियल, सेलेस्टियल कहते हैं प्योर, फायर मीन्स अग्नि, यानी सेलेस्टियल फायर मीन्स प्योर, प्योर फायर. अब फायर जो है इट इज़ सिंबल ऑफ लाइट एंड नॉलेज ऑल्सो. तो जो देयर इज़ समवन लेड हेयर, कोई व्यक्ति ऐसा लेटा है, कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा बरीद है, हु वॉज वंस फुल ऑफ प्योर थाट्स एंड आइडियाज़. ही माइट बी सम पोइट, ही माइट बी सम फिलोसोफर, कोई वो व्यक्ति कवि बन सकता था, कोई फिलोसोफर हो सकता था, लेकिन वो अपने जीवन में ऐसा नहीं कर पाए. नेक्स्ट देखिए, और कौन कौन यहाँ लेटे हुए हैं, मतलब कहना, थॉमस ग्रे हियर वॉन्ट्स टू से दैट पीपल हु आर बरीड हियर, हु लिव्ड अ वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, बट दे ऑल हैड टैलेंट्स एंड पोटेंशियल एंड दे कुड हैव ऑल्सो डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, उनके पास भी टैलेंट था, पोटेंशियल था, बट वो नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. तो यहाँ इस लाइन में हमने पढ़ा कि देयर कुड बी सम पोइट और सम फिलोसोफर, देयर इज़ लाइंग अ पर्सन हु कुड हैव बिकम अ ग्रेट पोइट और अ ग्रेट फिलोसोफर इन हिज लाइफ, बट ही कुड नॉट बिकम सो. और कौन कौन लेटा है, वो क्या क्या कर सकते थे? हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, हैंड्स, सम हैंड्स आर बरीड हेयर. अब सम हैंड्स का मतलब है सम पर्सन इज बरीड, बरीड हेयर. एक ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पर दफन है जो कि क्या कर सकता था, दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड. अब स्वे का मतलब यहाँ पर है होल्ड, हु कुड हैव होल्ड द रॉड ऑफ एम्पायर, हु कुड हैव रूल्ड किंगडम, जिसमें इतनी क्षमता थी कि वो शासन कर सकता था. ही हैड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज बट ही कुड नॉट बिकम सो. और कौन है, और वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और देर इज समवन हु इज बरीड हेयर, जो कोई एक और व्यक्ति है जो यहाँ दफन है, और उसके अंदर क्या टैलेंट था, वो क्या क्या कर सकता था. वेक्ड टू एक्सटेसी, एक्सटेसी कहते हैं एक्सट्रीम जॉय, बहुत ज़्यादा आनंद वो जो है उत्पन्न कर सकते. वेक्ड का मतलब ऐसे जगाना होता है, बट यहाँ इसका मतलब है प्रोड्यूस. हु कुड हैव प्रोड्यूस्ड एक्सट्रीमली मेलोडियस म्यूजिक थ्रू लिविंग लायर. लायर तो वीणा होती है, जिसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे म्यूजिक उत्पन्न होता है. जो म्यूजिशियन होते हैं दे यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस ग्रेट म्यूजिक. सो देयर इज़ अ पर्सन हु कुड हैव बिकम अ ग्रेट म्यूजिशियन इन हिज लाइफ, जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन सकता था, बट ही कुड नॉट बिकम सो. ही दे ऑल लेड अ वेरी सिंपल एंड हम्बल लाइफ, बहुत ही सिंपल और साधारण जीवन उन्होंने व्यतीत किया. क्यों? क्योंकि दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी. सो कहने का मतलब ये है, थॉमस ग्रे वॉन्ट्स टू से दैट द पीपल हु आर सिटिंग एट हाई पोजिशन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देम. ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ अलग टैलेंट है. देयर आर पीपल ऑन दी अदर साइड ऑफ लाइफ हु कुड ऑल्सो बी इक्वली, हु कुड ऑल्सो बी इक्वली सक्सेसफुल एंड कुड हैव अचीव्ड मोर इन देयर लाइफ, बट दे कुड नॉट बिकम सो बिकॉज दे डिड नॉट हैव दी अपॉर्चुनिटीज़. उनको मौके नहीं मिले, और उनको जो लाइफ में मिला, वॉट एवर देयर डेस्टिनी वॉज, दे वर बाउंड टू लिव अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी लाइफ. तो ये स्टैंजा नंबर 12 है बच्चों, इसको आप पढ़िएगा.